साल 2020 का आज आखिरी दिन है। कल हम नए साल का आगाज करने जा रहे हैं। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों ने कई तरह की प्लानिंग की है, लेकिन यह प्लानिंग थोड़ा फीका पड़ सकता है, क्योंकि साल भले ही खत्म हो रहा हो लेकिन कोरोना अब भी हमारे बीच है। ऐसे में नए साल का खास तौर पर सावधानी बरती जाएगी। नए साल के लिए बिहार सरकार ने अलग से अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। इस बाबत पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि का कहना है कि नए साल के लिए अलग से बिहार सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, लेकिन सूबे में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर पहले से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, नए साल में भी उस पर अमल कराया जाएगा। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार नया साल 2021 का जश्न मनाने लोग बाहर तो जा सकेंगे, लेकिन उन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही पार्क, चिड़ियाघर या अन्य स्मारक सभी जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिरों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं जिला प्रशासन को सभी जगहों पर खास तौर से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। नए साल में आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जवान सिविल ड्रेस में गश्ती करेंगे और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करेंगे।